सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेश वाडे और आप देख रहे हो वाडेस ब्लॉग। मैं आज मेरे लाइफ का पहला कैमरा जो मैंने लिया है इंस्टा 360, तो उसका आज अनबॉक्सिंग करूंगा। तो आप आज कंटिन्यू देखते रहो, मैं पूरा अनबॉक्सिंग वीडियो आपको दिखाऊंगा। मेरी लाइफ का पहला कैमरा है तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ ये खोलने के लिए। तो चलो इसको फटाफट खोलते हैं। ये देखो, इसके शायद इसका बैग आया है, दिख रहा है। फिर एक और चीज़ मंगवाई थी मैंने, एसडी कार्ड। ये एसडी कार्ड में 4K सपोर्टेड है, 128 GB। और तो कुछ नहीं है, बिल है। इसको साइड में रखते हैं अभी और कंटिन्यू। ये शायद इसका कैरी बैग है या नहीं, ये इंस्टा 360 की टी शर्ट है। ये देखो, थोड़ा देख के बता रहा हूँ। तो ये है इंस्टा 360 की टी शर्ट, जो मेरे को ऐसा लगा था जैसे इसका कैरी बैग हो, पर अभी बस टी शर्ट निकली है। साइज एल साइज, लार्ज साइज है, चलेगा। इसको भी कभी पहन के दिखाऊंगा आपको। तो ये है मेरा फाइनली इंस्टा 360 कैमरा। इसमें 3 टाइम के लेंस आते हैं, पर मैंने जो मंगवाया है वो है 4K एंड 360। तो इसमें सब दिखाया गया है, जैसे आप देख सकते हो, जैसे वाइड एंगल है। और मेरे को एक चीज़ इसकी अच्छी लगी है, वो वॉइस कैंसिलेशन है इसमें, तो कंट्रोल कर सकते हैं वॉइस को, तो अच्छा है इसमें। और इसमें क्या क्या साथ में आएगा वो बताया गया है इधर, जैसे आपको दिख रहा है। तो फाइनली चलो इसको ओपन करते हैं। और इसमें दिखाया है कि रजिस्टर योर प्रोडक्ट, 1 ईयर वारंटी इंडिया। अभी ये कंपनी इंडिया में आ गई है, तो चलो ये अच्छा है। मेरे को ऐसा था कि ये आउट ऑफ इंडिया से है, तो अभी ये कंपनी इंडिया में भी है तो कर सकते हैं। आपको दिख रहा है, तो इसमें ये इसका मेन जो वाइड एंगल लेंस बोलते हैं वो, और ये ब्रेन। ये है 360 कैमरा और ये इसकी बैटरी। इसमें कुछ एक्सेसरीज होगी, चलो देखते हैं खोल के पहले। तो ये आ गया मेरा कैमरा, ये कैसा लग रहा है। सही है ना, इसको भी दे रखते हैं। ये है इसका 360 कैमरा लेंस, तो देख सकते हैं। जितना सोचा था उतना बड़ा नहीं है, बहुत मैंने सोचा था उससे भी छोटा है, तो बहुत एकदम छोटा है। फाइनली ये इसकी बैटरी है, और फाइनली इसका बॉक्स निकाल दें। कुछ अच्छी चीज़ लग रही है अंदर, वेट बहुत ज़्यादा है, तो
इसको अभी मैं साइड में कर देता हूँ, बॉक्स खोल दिया है तो। चलो 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 चलो, कहाँ से कहाँ से कहाँ से, यहाँ से। इसमें ये निकला है टाइप सी केबल। यस, तो ये टाइप सी केबल है, शायद आपको दिख रहा हो। ऑटो फोकस पे नहीं रखा है कैमरा तो पता नहीं चल रहा है, कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये केबल है। और इसमें शायद ये इसका केस है, कवर बोले या केस बोलो, दोनों सेम चीज़ है, पर ये इसका केस है, शायद प्लास्टिक का लग रहा है, पर छोड़ो। और इसमें तो ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, तो इससे लेंस क्लीन करने के लिए दिया हुआ है, तो ये इसको सही करते हैं। और ये इंस्टा 360 का स्टिकर दिया हुआ है, तो देखो। चलो ये भी अच्छा है, या अगर बहुत ज़्यादा वो फैन हो तो कर सकते हो इसमें। अगर दिखो, देख वाइट भी है और येलो भी है, वाइट दिख रहा है। यस, इसमें ये है, अगर आप कहीं ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ फोगिंग ज़्यादा है या फिर ऐसा मानसून जैसा मौसम है, सो ये कैमरों को इसके अंदर रख सकते हो आप, तो तेज नहीं लगेगा उसके में। चलो फाइनली इन सब चीज़ों को साइड में रख देते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको मेरे साथ क्या क्या आया है। यस, और यस, मैं फाइनली बताना भूल गया एक ये चीज़ है, ये इसका लेंस गार्ड है जो 360 का, क्योंकि इसके लेंस बाहर की साइड दिए हुए हैं, तो अगर कहीं टच हो गया या गिर गया तो पूरा फेल है, या स्क्रैच भी आ गया तो भी कोई मतलब नहीं है इसको फिर रखने का। तो इसके लिए इसको ये लेंस गार्ड दिया हुआ है, तो ये भी अच्छा लगा है मेरे को, इसको ऐसे लगा सकते हैं। ये लग गया, तो इससे अपन मतलब यूज़ नहीं करना है तो कहीं पे भी बैग में वगैरह में रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। चलो एक ये इसमें कुछ है, ओ माउंट पे लगाने के लिए थोड़े एक्सेसरीज दी हुई है, तो ये है केबल। सो मेरे पास आया है अभी ये इसका ब्रेंड और वाइड एंगल जो लेंस है इसका 4K, तो आप जैसे देख सकते हो ऊपर के साइड में ये रिकॉर्ड के लिए दिया हुआ है, और ये अगर दिख रहा हो तो ये पावर बटन है इसको स्टार्ट करने के लिए, तो और यहाँ पे 1 आवर का लोगो दिया हुआ है इन्होंने, और वैसे पीछे कुछ नहीं है और इस साइड भी कुछ नहीं है वैसा, इस साइड है। सो ये निकलने के बाद पता चला है कि इसके अंदर मेमोरी कार्ड लगेगा और चार्जिंग के लिए, तो ये रहा, अगर आप देख सकते हो साइड। यस, इधर सी टाइप का पिन है और यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगेगा। इस बार लगाना थोड़ा मुश्किल है, बाकी सही है एकदम, वाटरप्रूफ के लिए बनाया। तो चलो इसको स्टार्ट करके देखते हैं। ओके, यस, तो अगर आपको बिठाने में दिक्कत होती है ना तो इसको स्लाइड कर दो, और ये बैठ गया। सो फाइनली ये हो गया हमारा एक्शन कैमरा तैयार। इसके ऊपर लगाना है तो इसको इसको देखो दिख रहा है आपको, ये इसको इस तरफ अपने तरफ खींच के
और ये ऐसे करो और ये पूरा निकल जाएगा। सो इसमें अभी हम इसको इस साइड से बिठाएंगे ऐसे, जिससे ये रिकॉर्ड वाला और ऑन ऑफ का बटन जो ऊपर आ जाए। इसको मैंने इधर रगड़ दिया और इसे लग गया है, और इसको हम कर देते हैं यहाँ से अटैच। तो ये हो गया फिट। सो इसको यहाँ पे, और मैंने ये भी ख़रीद लिया था जो हेलमेट पे लगेगा मेरे, और यहाँ पे। तो मैं आपको यहाँ इसके ऊपर अटैच करके दिखा देता हूँ एक बार। सो ये यूनिवर्सल होता है तो इसमें लगेगा। इसको ऐसे लगाओ और ये जो इसका है इसको निकालना है ये। तो इसको सही मेरा लग चुका है इस, और इसको जिस तरह से रखना है ऐसे रख के और कर सकते हैं। तो मैं अभी बाइक पे जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। सो ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस बार का जो वीडियो है वो सिर्फ अनबॉक्सिंग के लिए ही था। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि मोबाइल को Insta360 के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, और उसको कनेक्ट करने के बाद कैसे उसमें से रिकॉर्ड कर सकते हैं और कैसे एडिटिंग कर सकते, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो मेरी चैनल वार्डिस ब्लॉग को, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। सो थैंक यू।